जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, 3 दिसंबर 2023 को 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे और 4 स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बन गई है, जिनके अंदर बेसिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। इन चार में से दोस्तों 3 स्टेट के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है। आपको पता होगा, इलेक्शन से पहले ये जो नेता लोग हमसे वोट मांगने आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। तो ये क्या क्या वादे किए थे, स्पेशली हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में। आपको पता होगा, राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो बीजेपी की सरकार आने से पहले जो इन्होंने वादे किए थे, वो वादे हम इनको याद दिलाना चाहते हैं और इन्हें ये भी एश्योरेंस लेना चाहते हैं इनसे कि आप इन वादों को कितने समय में पूरा कर देंगे, क्या पूरा कर भी देंगे या नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब अखबारें, न्यूज़पेपर्स वगैरह हमारे पास में आते थे तो पूरे पूरे पेज उनके भरे होते थे, न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा वहां पे लगता था। तो उन्होंने लिखा था कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। दोस्तों ये तो संभव हो ही नहीं सकता है कि 1200 रुपए 1100 रुपए वाला सिलेंडर 450 रुपए में हर व्यक्ति को मिल जाएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि 450 रुपए का सिलेंडर किन किन लोगों को देंगे। हालांकि इन्होंने जो डिटेल के अंदर हमने जब पढ़ा तो उन्होंने लिखा था कि गरीब महिलाओं को देंगे। गरीब महिलाएं दोस्तों उज्ज्वला योजना के अंदर जिनको कनेक्शंस दिए थे, जिन लोगों ने गैस का यूज़ करना ही बंद कर दिया था, जिन्हें फ्री में गैस मिले थे, सिर्फ उन्हें ही 450 रुपए का ये गैस सिलेंडर मिलेगा। एक आम आदमी जो कि APL है, अबव पॉवर्टी लाइन है, उज्ज्वला के अंदर नहीं आता है, उसे खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों श्री गंगानगर जिला ही ऐसा है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल के हाईएस्ट रेट यहाँ पे रहते हैं राजस्थान के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल और डीजल का रेट महंगा करने वाला कौन था, ये रेट महंगे किसने किए थे? तो महंगे भी गवर्नमेंट करती है और सस्ते भी गवर्नमेंट करती है। मीन्स सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब ये देखने वाली बात है, आपको ये भी आश्चर्यजनक होगा कि दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से बिल्कुल पास में जो कनेक्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, दोस्तों पंजाब लगता है, तो पंजाब के अंदर से लोग डीजल लेकर के आते हैं, पेट्रोल लेकर के आते हैं। 10-12 रुपए तक का फर्क एक लीटर के प्रति यहां पे पड़ जाता है। तो ये देखने वाली बात है पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता करते हैं और कब तक सस्ता ये किया जाता है। इसके बाद जो वादा किया गया था दोस्तों, वो था गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुफ्त राशन की बजाय मैं सोचता हूं कि अगर उन्हें कोई रोजगार दे दिया जाता, उन्हें कोई काम दे दिया जाता और वो पैसे कमाई करके अपनी मर्जी से राशन लेके आते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उन्हें भर भर के राशन दे देंगे। आप पहले जो राजस्थान स्टेट के अंदर दोस्तों जो राशन की स्कीम चल रही थी, वो पर पर्सन को 5 kg का राशन मिलता था। तो ये अकॉर्डिंग टू मी सफिशिएंट नहीं होना चाहिए कि 5 kg राशन से एक महीना आपका चल जाएगा। इसके बाद जो अगला जो दावा दोस्तों, अगला वादा उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो था कोई भी बेघर नहीं होगा। और आपको देखने में आता होगा दोस्तों, कितने ही लोग हैं जो रोड पे, फुटपाथ पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पर सोते हैं, लेकिन बीजेपी ने गवर्नमेंट बनने से पहले ये बोला था कि कोई भी बेघर नहीं होगा। बेघर नहीं होगा का मतलब सभी को घर दिया जाएगा, बट ओबीसी बात यही है, लेकिन घर देना कितना संभव है, कितना प्रैक्टिकल है, किसे दिया जाएगा, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, ये अभी भी कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि किस लोगों को घर मिलता है और किस लोगों को घर नहीं मिलता है। आपको पता होगा दोस्तों, एग्रीकल्चर हर चीज़ का बेस होता है, क्योंकि किसान जब फसल उगाएगा वही मार्केट में जाएगी, वही बिकेगी, वही लोग खाएंगे। तो PM किसान निधि योजना करके एक स्कीम चलाई गई थी नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके अंदर बोला गया था कि हर 3-3 महीने बाद आपको 2000 रुपये मिलेंगे एक किसान को। तो दोस्तों 2000 रुपये महीने के क्वार्टरली के हिसाब से 6000 रुपये पहले हर किसान को मिला करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे, बीजेपी ने बोला था, तो 6000 की जगह 12000 रुपये हम किसानों को देंगे। अब ये देखने वाली बात है दोस्तों कि किसानों को 12000 रुपये मिलना कब से शुरू होता है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस सजेशन करना चाहूँगा कि जो किसानों को अपने खेत के लिए पेट्रोल डीजल वगैरह लगाना पड़ता है, फ्यूल लगाना पड़ता है, महंगे महंगे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, पहली बात तो आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर आप अलाउ ही क्यों करते हो इतना जहर डालने के लिए खेत के अंदर, और अगर इनका रेट 4-4 गुना होता है तो आप उन्हें कम कर देंगे तो ये 12000 रुपये 6000 रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप 6000-12000 रुपये देने की बजाय सब्सिडी रेट पर इन्हें डीजल दीजिए, इन्हें बीज दीजिए, इन्हें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर दीजिए। पहली बात तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज ही बंद होना चाहिए, अगर होता है तो इन्हें कम रेटों में दिया जाए ताकि इस 12000 रुपये की किसानों को जरूरत ना पड़े। इसके बाद दोस्तों पता होगा MSP होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, किसान की जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे बाजार में ला करके बेचा जाता है। तो वहाँ पे एक बोली सिस्टम होता है, जब जिस दुकानदार को ला करके बेचेगा तो वो आपस में बोली लगाते हैं, जो ज़्यादा रेट पर लगाएगा वो ले जाएगा। और इसके साथ
नहीं डिमांड और सप्लाई का खेल भी यहाँ पे होता है। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई के अंदर आपका रेट अनसर्टेन रहता है, कभी आपका सस्ता भी बिक सकता है और महंगा भी बिक सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोली है जो वीट है, जो कनक है, वो आपकी हम 2700 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से लेंगे, इतनी खरीदेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी फसल आपकी, पूरी की पूरी फसल जितनी भी हुई सारी की सारी एमएसपी पे खरीद ली जाती है। एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि हम आपसे एक किसान से इतनी ही फसल खरीदेंगे। तो 2700 रुपए जब गवर्नमेंट खरीदेगी दोस्तों, तो मार्केट में ये रेट अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास रहने वाला है। और एक गरीब आदमी जब इसको खरीदेगा तो 2800-2900-3000 रुपए खरीदेगा। तो 3000 रुपए लेकर के क्या वो करेगा, कब खाएगा, क्या उसकी कमाई रहने वाली है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बोला है कि 2700 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हम आपकी कनक खरीदेंगे। कब से स्टार्ट होती है ये देखने वाली बात। तो इस तरह से गेहूं के साथ साथ में ज्वार और बाजरा जो दोस्तों काफी एरिया के अंदर उगाया जाता है, तो ये भी पहले एमएसपी से नहीं खरीदा जाता था। तो बीजेपी ने बोल दिया था कि ज्वार और बाजरा को भी हम एमएसपी प्राइस पर ही खरीदेंगे। ये तो आपको पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है दोस्तों महिला सुरक्षा की बातें करती है, महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार की बात करती है। तो इन्होंने एंटी स्क्वेड जो दोस्तों एंटी रोमियो स्क्वेड है वो गठन करने की बात की है। आपको पता होगा कभी भी चलती महिला को, लड़की को छेड़ दिया जाता है, उनसे परेशान किया जाता है, तो उन्हें परेशानी ना हो तो इस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड है वो गठित किए जाएंगे। और हर जिले के अंदर दोस्तों एक महिला थाना भी बनाया जाएगा। महिला थाना ऐसा थाना होता है जब स्पेशली यहाँ पे प्रायोरिटी पर महिलाओं की शिकायतों को, समस्याओं को सुना जाता है और उसका समाधान किया जाता है। तो ये एक अच्छा कदम हमने देखने को आ रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कब तक ये एंटी रोमियो स्क्वाड गठन होगा, कब तक जो हर जिले के अंदर एक महिला थाना बन जाएगा। इसके बाद बोला है दोस्तों राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करेंगे। जैसे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल होता है दोस्तों, जो नेशनल लेवल पर होता है, उसे स्टेट लेवल पर भी हम डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, गठित करेंगे और लोगों को शिक्षा देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है दोस्तों, अगर ये पॉसिबल हो जाता है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है दोस्तों, उसको कदर मिलने वाली है और जो हमारी स्किल है वो बढ़ने वाली है। तो ये भी देखने वाली बात है। मोस्टली ये तो आपके कैपिटल लेवल पर ही जयपुर में हो सकता है, बड़े बड़े शहरों में स्थापित होगा। इसमें क्या डिसीजन का, क्या एडमिशन का डिसीजन रहेगा, कैसे ये काम करेगा, ये सब देखने वाली बातें। इसके बाद में बीजेपी ने बोला था गरीब परिवार के छात्रों को 1200 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी वार्षिक रूप से। मतलब 1200 रुपए हर साल के एक गरीब जो छात्र है उसे मिलेंगे। अब गरीब की क्या डेफिनेशन है और छात्र की क्या डेफिनेशन है, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में हैं, आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आप कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक हैं, कितने मार्क्स अगर आप लेके आएंगे, तब आपको ये मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। लेकिन बीजेपी ने बोला है कि 1200 रुपए पर ईयर के गरीब छात्र को हम देंगे। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है, उनको कुछ ना कुछ प्रायोरिटी यहाँ पे हर बार दी जाती है। और एक दिव्यांगजन होते हैं जिन्हें विकलांग पहले बोला जाता था, किसी ना किसी क्षेत्र में उनके कुछ ना कुछ कमी रह जाती है शरीर में, तो उनको पहले दोस्तों आपको पता होगा एक पेंशन दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पहले 500 रुपए थी, फिर 750 रुपए थी, लेकिन बीजेपी ने बोला है हम सीनियर सिटीजन को और दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की प्रति माह की पेंशन देंगे। तो ये 1500 रुपए की पेंशन एक अच्छी बात है, उनका कोई सहारा होगा, कुछ सपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियली सीनियर सिटीजन को और दिव्यांगजन को। तो ये 1500 रुपए पर मंथ की मिलने वाली है, ये कब से मिलेगी ये देखने वाली बात। दोस्तों आपको पता होगा बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये चार चीजें ही होती हैं जो एक बेसिक जीवन का आधार होती हैं। तो इन्होंने बोला है, बीजेपी वालों ने 24/7 बिजली और पानी की व्यवस्था हम आपको करवा करके देंगे। आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के अंदर बिजली के कितने कट लगते हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनाव होने से पहले ये दावा किया है, ये प्रॉमिस किया है कि 24 घंटे सातों दिन, मतलब कभी भी आपका बिजली नहीं जाएगी और आपको पेयजल जो है शुद्ध पानी पीने को दिया जाएगा। पानी के लिए भी आपने देखा होगा गांवों में, आजकल तो शहरों में भी कितनी मारामारी है, 7-7 दिन तक 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, वाटर वर्क्स वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये देखने वाली बात रहती है 24/7 बिजली और पानी हमें ये दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं और कब से दे पाएंगे। दोस्तों चिकित्सा के मामले में जैसे कि आपको मैंने बताया डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टरों की कमी के चलते बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। तो बीजेपी ने यह भी बोला था कि 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पैरा मेडिकल जो स्टाफ होगा दोस्तों उनकी नियुक्ति की जाएगी। आपने देखा होगा किसी गांव में 2-2 साल से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है, तो इस तरह का अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी अगर ये सच में करके दिखाएंगे तो। 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति एडिशनल रूप से बीजेपी करेगी। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि सभी छात्राओं को KG से लेकर के PG तक की मुफ्त शिक्षा हम देंगे।
पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे छात्र नहीं है, छात्राएं हैं, सिर्फ फीमेल लड़कियों को, महिलाओं को ही केजी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेकर के पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपकी मास्टर डिग्री तक की जो भी शिक्षा होगी वो फ्री में देंगे। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि दोस्तों ये सरकारी स्कूल या कॉलेज में होगी या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में होगी, तो ये देखने वाली बात है। हालाँकि आज भी पूरे सरकारी स्कूल या कॉलेज में एजुकेशन मुफ्त में मिलती है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि छात्राओं को केजी से पीजी तक की हम मुफ्त की शिक्षा देंगे। इसके बाद में 12वीं पास मेघावी छात्राएं, दोस्तों यहाँ पे भी छात्राएं हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और 12वीं के पास होनी चाहिए और मेघावी होनी चाहिए। मेघावी मतलब अच्छे मार्क्स से अगर कोई लड़की पास होती है तो उसे लैपटॉप या स्कूटी या दोनों ये दी जाएंगी। हालांकि ये स्कीम्स पहले भी चल रही थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन बीजेपी वालों ने बोला है कि जो 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके आएगी लड़की कि उसे हम लैपटॉप स्कूटी या दोनों भी दे सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल परीक्षण दिया जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा स्किल एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार आप सीख लेते हैं तो आपके लाइफ टाइम वो काम आती है, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं में। आपको पता होगा जो रूरल एरिया में लेडीज होती हैं वो पर्दाशीन होती हैं, घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती है, ना ही उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए उनको कोई स्किल होती है। तो बीजेपी ने बोला है अगर आप हमारी सरकार बना देंगे तो आपको हम यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी भी तरह का काम आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 लाख लेडीज़ को हम ग्रामीण एरिया में ये स्किल देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा हर गवर्नमेंट ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर आपके घर में किसी बेटी का, कन्या का, लड़की का जन्म हो जाता है तो उसके जन्म के ऊपर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड आपको राज्य सरकार देने वाली है। ये सेविंग बॉन्ड आपको मोस्टली तो यही चांसेस होते हैं कि जब 18 साल की हो जाएगी या उसकी शादी करोगे जब तक के लिए आपके पास वो सेफ रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा, और उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी मिलने वाला है। तो ये देखने वाली बात रहती है कि बेटी के जन्म के ऊपर 2 लाख रुपए का बॉन्ड कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, ये भी एक मजाक से कम नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता होगा बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई प्राइवेट जॉब कर सकता है, लेकिन हमें तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वहां पर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। गवर्नमेंट ने बोला है इन 5 सालों के अंदर हम 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं, विभिन्न विभिन्न जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम देने वाले हैं। तो ये 2.5 लाख नौकरियां पहले भी नौकरियों के वादे हो चुके हैं, तो देखने वाली बात रहेगी कि 2.5 लाख नौकरियां कब तक जो है स्टेट गवर्नमेंट इन बेरोजगार युवाओं को दे पाती है। आपने देखा था कि पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में दोस्तों बहुत सारे पेपर लीक हुए थे जिसमें रीट वगैरह प्रमुखता से आया था, और एक युवा है बेरोजगार है उसके तो भविष्य ही खत्म हो गया था, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी तैयारी की थी। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है अगर हमारे मामले में कोई भी पेपर लीक होता है तो उसकी त्वरित जांच करेंगे और SIT का गठन करेंगे। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है दोस्तों, जो उस किसी भी मुद्दे को जांच करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों की टीम बना दी जाती है। तो अगर पेपर लीक का कोई मामला आता है तो हम SIT गठित करेंगे और बड़े ही क्विक लेवल पर इसकी जाँच करवाएंगे। इसके बाद आपको पता होगा कई बार ज़मीनें नीलाम हो जाती है स्पेशली किसानों की, अगर वो अपना लोन नहीं भर पाते हैं, KCC वगैरह जो भी लोन होता है जो उस एग्रीकल्चर लैंड के एवज में मिलता था, वैसे तो बहुत ही कठिन काम होता है उनकी ज़मीन को नीलाम करना, लेकिन बहुत बार नीलाम हो जाती है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला है अगर कांग्रेस के राज में जिन जिन किसानों की ज़मीन नीलाम हुई थी उन्हें मुआवजा देंगे हम, और मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति बनाएंगे। मुआवजा नीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि पहले आपको क्या मिला था, कब मिला था, अब क्या और मिलना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी किसान भाई की ज़मीन नीलाम हुई थी तो उन्हें अपने MLA से जाकर पूछना चाहिए कि मुझे मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, जो आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था। इसके बाद में बोला है दोस्तों $350 बिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे राजस्थान को अगले 5 सालों में। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता होगा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो दोस्तों होता है, कितना माल हमने बनाया, कितना बेचा, कितनी सर्विसेज दी, इन सबको मिलाकर के हमारी इकोनॉमी जो है वो डिफाइन होती है कि कितना काम यहां पे हो रहा है। तो $350 मिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात जो बीजेपी ने की है, इसका मतलब यही है कि उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है बैंकिंग सिस्टम को भी इन्हें अच्छा करना पड़ेगा, लोगों को लोन वगैरह भी देना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात रहती है $350 मिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है आने वाले 5 सालों में कब इसको अचीव कर पाएंगे। आपको पता होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है, तो गांवों में उन्हें आंगनवाड़ी में भेजा जाता है। तो हर गांव के अंदर एक आंगनवाड़ी का केंद्र होता है जिसके अंदर कुछ 1-2-3 महिलाओं को लगाया जाता है और वो बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें कुछ बेसिक शिक्षाएं देने की कोशिश करती है। तो जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका जो मानदेय होता है दोस्तों, उनको हर मंथ के कुछ ना कुछ पेमेंट पहले वहां मिलती थी, मोस्टली 4-5 हजार रुपए,
6000 रुपये तक मिलता था तो हर महीने का। तो बीजेपी ने ये बोला है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो ये मानदेय उनका मंथली है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब कितना बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, कब से ये मिलेगा, ये देखने वाली बात रहती। इसके बाद में बीजेपी ने बोला था 50 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार। दोस्तों नौकरी एक अलग चीज़ है और रोजगार और स्वरोजगार एक अलग चीज़ है। रोजगार के अंदर आपको किसी भी तरह का कुछ बिजनेस खोल के दे सकते हैं, आपको हम लोन दे सकते हैं, आपको ऐसी स्किल सिखा सकते हैं कि आप उससे अपनी खुद की कमाई कर पाएं। तो 50 लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार या स्वरोजगार यहाँ पे देने की बात की गई है। तो इस तरह से ये 24 वादे किए गए थे दोस्तों बीजेपी के द्वारा सरकार आने से पहले। अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो जब भी आपको मौका मिले दोस्तों कुछ समय बाद आप ईवैल्यूएशन जरूर करें, आकलन जरूर करें, क्योंकि आज की जागरूक जनता है बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही एक्टिवेट हो चुकी है, ये किसी भी फ्री के बहकावे में नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो ना तो बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर थी ना ही कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर थी। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही था कि जो वोट देने से पहले जो ये बात करते हैं और वोट देने के बाद में ये अगर बदल जाते हैं तो क्यों बदलते हैं, कितना बदलते हैं, हमारे पास में क्या राइट्स हैं, हम इनको ये दिखा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से जो अखबारों में इन्होंने करोड़ों रुपए की एड दी थी उसमें सारा का सारा लिखा था इन्होंने कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, ये कोई बालाजी का खड़ा नहीं है कि आप कुछ भी वादा करके चले जाएंगे और जीत जाएंगे और बाद में उसे पूरा नहीं करेंगे। तो आप किसी भी अखबार को उठा करके देख लीजिए, 25 नवंबर को जो इलेक्शन थे उससे 2 दिन पहले की भी अखबार देखेंगे तो भरे हुए वादे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। हालाँकि आप अपना काम करेंगे, कर्म करेंगे, बिजनेस मजदूरी दिहाड़ी करेंगे तभी आपका पेट भरना है, अदरवाइज फ्री के चक्कर में आप ना पड़ें। फ्री के चक्कर में हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां हमारी दोस्तों उन्हें काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो आप अपने कर्म में काम में विश्वास कीजिए, आपको दोस्तों कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन इन नेताओं को इनकी जबान याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आपने क्या क्या वादे किए थे, ये पूरे हुए हैं नहीं हुए। वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह का कंटेंट भविष्य में और चाहिए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों।